नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन डिजीज, काफ मसल पेन, पिंडलियों में दर्द होना। ये दिक्कत एक आम समस्या है, बहुत लोगों में आज ये दिक्कत हो रही है। हम ये नहीं समझ पाते कि हमें काफ मसल पेन, हमारे पिंडलियों में दर्द क्यों होता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हम खड़े होकर पानी पीते हैं। जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनमें काफ मसल पेन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिनको डायबिटीज़ है, जिनकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, या जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है, या कहें कि जो एनीमिक हैं, यानी कि जिनको एनीमिया है, या वह महिलाएं जिनको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस यानी उनका गर्भाशय अपनी जगह से हट गया है, या देखा गया है कि काफ मसल पेन उन लोगों को भी ज्यादा होता है जिनको एक पेट की बीमारी होती है जिसे कहते हैं हम नले की समस्या हो जाना, यानी कि नाभि से नीचे वाले भाग में लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, वहां इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण से हमारा डाइजेशन प्रभावित हो जाता है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है काफ मसल पेन होने का। अगर आपको इनमें से कोई भी डेफिशिएंसी है तो सबसे पहले आपको अपना ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, यानी कि सबसे पहले अपना चेकअप करें। अगर आपका वजन ज्यादा है उसको कम करने का प्रयास करें, क्योंकि वजन ज्यादा होने से भी हमारे पैरों पर प्रेशर आता है और वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है काफ मसल पेन होने का। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है उसके लिए प्रॉपर डाइट लें, डायबिटीज है उसको ठीक करने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, यानी कि जो भी डेफिशिएंसी है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सबसे पहले हमें ठीक करना है, यानी कि सबसे पहले हमें उसका समाधान करना है। साथ में एक छोटा सा ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे निश्चित ही आपकी काफ मसल पेन की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, विदाउट मेडिसिन ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं विदाउट मेडिसिन काफ मसल पेन के लिए ट्रीटमेंट। आई काफ मसल पेन हो जाना, यानी कि ये वाला जो भाग है जिसे हम पिंडली बोलते हैं, इनों में दर्द होता है, उसके लिए हमें इस प्रकार से पैर में जो दो पिलो लगाने हैं और हमें अपने पैर से नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर देते जाना, बिल्कुल पास पास पॉइंट बनाते जाना और नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर देना इस प्रकार से। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट काफ मसल पेन के लिए करते के साथ पहले दिन से ही आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलते इस प्रकार से। दूसरी साइड पैर करना, नीचे से ऊपर प्रेशर। ये ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रेशर देंगे नीचे से ऊपर देंगे और एक बार में 6 से 8 बार तक हम कर सकते हैं इस प्रकार से। अभी पैरों को उल्टा रखना इस प्रकार से, फिर नीचे से ऊपर 6 से 8 बार प्रेशर देते जाना। इस प्रकार से फिर इस प्रकार से रबिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ये भी नीचे से ऊपर। और जब भी आप लेटे बैठे आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके पैर ज़्यादा लटके ना रहे। जब आप सोए तो पैर के 2 पिलो लगा सकते हैं, या बैठे तो अपने पैर किसी टेबल पर या चेयर पर आप रख सकते हैं। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना क्यों होता है हमें काफ मसल पेन, क्यों हम इतने लंबे दिनों से परेशान हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, हमने अपना कोई टेस्ट नहीं कराया, हमने अपने वजन पर ध्यान नहीं दिया, या हम निरंतर खड़े रहते हैं जिसके कारण से हमें काफ मसल पेन निरंतर होता रहता है। सबसे पहले कारण को ठीक करना चाहिए, उसके बाद हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम कुछ दिन आपका रेगुलर बेसिस पर ट्रीटमेंट करेंगे और आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, वो भी विदाउट मेडिसिन। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।